हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं दिखलाने वाला हूँ पत्थलगांव शहर। जो पत्थलगांव शहर है वो जशपुर जिले के अंतर्गत आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा शहर है। तो चले चलते हैं और पत्थलगांव शहर घुमाता हूँ मैं आप सभी को। तो वीडियो मेरे साथ अब बने रहें। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लागझार, और ये जो आप देख रहे हैं यह यहाँ का मिनी इंडोर स्टेडियम है। ये राइट साइड में गवर्नमेंट कॉलेज है, ठाकुर शोभा सिंह देख सकते हैं। कॉलेज क्रॉस होने के बाद हमें राइट साइड में यहाँ का सरना परिसर देखने को मिलता है, और उसके कुछ ही दूरी पर हमें यहाँ का तहसील कार्यालय देखने को मिलता है, जहाँ पर सभी कार्य किए जाते हैं। और यह गुरुकुल कॉलेज है, और गुरुकुल कॉलेज के अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर आपको मोबाइल दुकान, कार श्रृंगार जैसी अनेक छोटी छोटी दुकानें देखने को मिल जाएंगी। और इस कॉम्प्लेक्स में स्टेप मिनी डांस क्रू का डांस क्लास लिया जाता है। पत्थलगांव का ज्योति शोरूम, और उसके बगल में दिनेश होंडा शोरूम, और जो पत्थलगांव का मेन मार्केट है वो यहीं पर लगता है। बाकी लॉकडाउन के कारण अभी बंद है, और जो मैरिज गार्डन जाने का रास्ता है वो राइट साइड की ओर है। और रोड के राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ छोटा सा एक टॉकीज है। रोड के जो लेफ्ट साइड में येलो कलर का बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यह यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। बरसात का समय होने के कारण यहाँ पर रास्ते में पानी वगैरह आ गए हैं, और जो लॉकडाउन होने के कारण यहाँ पर जो सब्जियाँ मार्केट रहती है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। आप रास्ते के अगल बगल में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सभी प्रकार की सब्जियाँ उपलब्ध हो जाएगी, और फल फूल भी उपलब्ध हो जाएंगी। और यहाँ से पत्थलगांव बस स्टैंड जाने का रास्ता है। आपको यहाँ से सभी जगहों की बस मिल जाएंगी, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर के लिए सभी जगहों के लिए बस यहाँ से आपको मिल जाएगी। जो आप सामने चौक देख रहे हैं, उस सामने चौक से राइट साइड वाला रास्ता आपको जशपुर की ओर लेके जाएगा, और जो लेफ्ट साइड वाला रास्ता है वो आपको अंबिकापुर की ओर लेके जाएगा, और जो पीछे साइड वाला रास्ता है वह रायगढ़ की ओर लेके जाता है। तो चले चलते हैं अंबिकापुर वाले रास्ते पे, और देखते हैं वहाँ हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो वीडियो मेरे साथ बने रहे। यहाँ पर रोड के अगल बगल में मोबाइल की शॉप आपको देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ जो राइट साइड में यहाँ मंडी जाने का रास्ता है, और यहाँ पर मेडिकल स्टोर और कपड़ों की दुकान वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी। रोड के राइट साइड में आपको गुडलक डिपार्टमेंटल स्टोर देखने को मिल जाएगा, और राइट साइड में ज्ञान गंगा बुक डिपो। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बंदियाखार चौक। लेफ्ट साइड अगर हम जाते हैं तो आपको बंदियाखार की ओर लेके जाएगा, अगर आप सीधे सीधे जाते हैं तो आपको अंबिकापुर, सीतापुर, काराबेल की ओर लेके जाएगा। तो चले चलते हैं। अब बंदियाखार में आपको पत्थलगांव का चर्च देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ का यह चर्च है, और चर्च से कुछ ही दूरी पर यहाँ पर सेंट जेवियर स्कूल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अब रायगढ़ रोड में, देखते हैं रायगढ़ रोड में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो वीडियो मेरे साथ बने रहें, और वीडियो कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चौक से जस्ट राइट साइड में आपको केएन स्मार्ट बाज़ार देखने को मिलेगा, जहां आपको सारी सामानें उपलब्ध हो जाएंगी, और यहाँ पर गोयल साइकिल स्टोर भी आपको देखने को मिलेगा। रोड के राइट साइड में आपको यहाँ का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा, और उसके जस्ट आगे आप जाएंगे तो अपोलो टायर, जहाँ पर आपको सभी प्रकार की गाड़ियों की टायर उपलब्ध हो जाएगी। और रोड के लेफ्ट साइड में आपको कलकत्ता सेल देखने को मिलेगा।
ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं यह होटल अर्णव रेजेंसी है, जहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है। और ये जो सामने आप कांच की बिल्डिंग देख रहे हैं, यह प्रियतमा टावर है, जहाँ पर आपको लगभग सारी प्रकार की दुकानें उपलब्ध हो जाती है। और उसके आगे आपको महिंद्रा की ट्रैक्टर शोरूम देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको नई पुरानी ट्रैक्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और उसके बगल में आपको HDFC बैंक देखने को मिलेगा। और रायगढ़ रोड में आपको कार श्रृंगार, कार केयर जैसी दुकानें देखने को मिलेंगी। और अगर आप आगे जाते हैं तो आपको बड़ी गाड़ियों जैसे ट्रक वगैरह की रिपेयरिंग शॉप आपको देखने को मिलेगी।